आपकी तालियों और सीटियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी मेहमान यहाँ पे आए हैं, अर्चना जी बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू कपिल। अर्चना, नाम बड़ा इम्पोर्टेंट है। Yes. नाम से आदमी की पर्सनैलिटी का पता चल जाता है। सोचो अगर आपका नाम बिमला रानी होता कोई सोच भी नहीं सकता था कि बिमला रानी किसी की कुर्सी छीन सकती है। पर जैसे ही आप बोलो अर्चना पूरन सिंह, नाम से लगता है पक्का इनका अखाड़ा होगा। उठा पटक तो कर ही देती होंगी फिर ये। बचपन में बच्चे का नाम भी अगर गोलू रख दो ना तो वो फिर सारी उम्र गोलू ही रहता है। क्योंकि उसको पता कि आपको मेरे से उम्मीद ही नहीं है। आपने नाम ही मेरा गोलू रख दिया। मेरा नाम या तो टाइगर रखते। फिर गोलू जब बड़ा होता हर तरफ से गोलू हो जाता। यहाँ से गोलू, यहाँ से, पीछे से भी गोलू। तो कुछ नाम बड़े कॉमन होते हैं, लोगों को आसानी से याद रहते हैं। जैसे अपना दिनेश है, गोपाल है। इन लोगों की ट्रेन कभी नहीं छूटती। पूछो क्यों? क्योंकि जैसे ट्रेन चलने लगती है ना लोकल, ओए गोपाल ट्रेन निकल गई। ट्रेन हमेशा छूटेगी उन लोगों की जिनके नाम कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। रिपु दमन, सब्यसाची। ट्रेन चलने लगी, आदमी घबराने नाम भूल जाता है। ओ हेलो, दूसरा आदमी घूम के देता, अरे करो वाले को बुला ना, भेज, ट्रेन निकल रही है। जैसे दिनेश और गोपाल कॉमन नाम वालों को फायदा तो होता ही, कभी कभी नुकसान भी होता है। मोहल्ले की लड़की किसी और दिनेश के साथ भाग जाए, एक आध बार तो प्रसाद मिल ही जाता है इनको। और फिर ये भी सोचते रहते हैं कि चलो पीटने वालों को तो गलत फहमी हो जाती है, लड़कियों को क्यों नहीं होती, वो क्यों नहीं भागती हमारे साथ। वाह, इस पे भी टंग। कुछ जगह मैंने देखा है ना, कई रेस्टोरेंट वाले अपने बोर्ड पे लिखवा लेते हैं पंजाबी चाइनीज कॉर्नर। या तो पंजाबी लिखवा या चाइनीज लिखवा। पंजाबी चाइनीज क्या तू राजमा में मोमोज डाल के देगा? है ना कि मोमोज के पराठे बना के देगा? समझ में नहीं आता। कई बार ना ट्रैवल एजेंट जो होते हैं ना गलती से टिकट बना देते हैं, वो एजेंडर चेंज कर देते हैं। हाँ। कि जैसे आपके नाम के आगे मिस्टर लिख देंगे। चलो आप पे तो सूट भी करता है, पर होता है ना, लड़कियों के आगे मिस्टर लगा देंगे, लड़कों के आगे मिसिज लगा देंगे। ये गोपाल ने अपना टिकट करवाया एक बार। हाँ। तो इसके आगे लिख दिया मिसिज गोपाल। ये देखना भूल गया, पर मानना पड़ेगा मुंबई से लेके पंजाब तक साड़ी पहन के सफर किया इसने। और आगरा तक जाते जाते आंख मार के दो चाय वाले जो बटाए वो अलग। नाम सुनते ही प्रोफेशन का भी आइडिया लग जाता है। अगर किसी का नाम बलवंत है तो इस नाम से ढाबा या कोई अखाड़ा ही हो सकता है। बलवंत क्लिनिक तो आपने कभी सुना नहीं होगा। नहीं। नाम देखिए, नाम नाम में कुछ नहीं रखा है। इंजेक्शन सुन सुन के हमें डर लगता है कि इंजेक्शन लगा दर्द होगी। इंजेक्शन का नाम अगर आप दिल रख दें तो सोचिए लगाने वाले को भी मजा आए, लगवाने वाले को भी मजा आए। डॉक्टर बोलेगा देखिए दवाइयां मैंने आपको लिख दी हैं, अंदर जाके नर्स से दिल लगवा लीजिए आप। बंदा भी जाएगा, डॉक्टर साहब ने आपके पास भेजा है दिल लगाने के लिए। अच्छा, फिल्मों के नाम बड़े सोच के रखने पड़ते हैं। जैसे बाहुबली इतनी लार्जर देन लाइफ फिल्म थी, बाहुबली ही अच्छा सूट करता है उसको। अगर उसका नाम मूंगफली रख देते कहाँ मजा आता। ऐसी एक जबरदस्त फिल्म आ रही है जिसका टाइटल है धाकड़, और उस फिल्म की धाकड़ हीरोइन आज हमारे बीच आ रही है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम वन एंड ओनली कंगना रनौत। कंगना, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे शो पे। थैंक यू। यू आर लुकिंग वेरी प्रीटी। वेट लूज कर लिया? पिछली बार मैं आई थी तो आप 4 महीने से थे। मैं पापा बनने वाला था। हाँ, फिर वो डिलीवरी हो गई। हाँ, तो अच्छे लग रहे हैं आप। बेबी इज हेल्दी आल्सो। फिट एंड फाइन। हाय, हाउ आर यू? वेरी गुड। पिछली बार इन्होंने आपका बड़ा मजाक उड़ाया था कि आप मगरमच्छ पे आती हैं, तो आज हम इनकी खिंचाई करेंगे। वेरी गुड। दुनिया में छोड़ना मत किसी को, सबकी खिंचाई करते रहना। कंगना, लेकिन आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं, और शीज ऑन फायर ये गाना इन्हीं पे सूट करता है। हाँ। मानना पड़ेगा ऐसे चैलेंजिंग रोल करती हैं, झांसी की रानी, जयललिता जी, अब धाकड़। हाँ। कंगना, धाकड़ जैसी एक्शन फिल्म करने का आइडिया कैसे आया? हालांकि एक्शन तो आप बोल के भी बड़ा अच्छा कर लेती हैं। ये सारा श्रेय जो है मेरे डायरेक्टर रेजी घई को जाता है, क्योंकि एज एन ऑडियंस उनको जो अच्छा लगता है, उनको एक फीमेल सेंट्रिक स्पाई थ्रिलर देखना अच्छा लगता है, तो उन्होंने वैसी ही फिल्म दर्शकों के लिए बनाई है। तो उन्होंने मुझे इस रोल के लिए चुना, इस काबिल समझा। आई एम वेरी ग्रेटफुल, वेरी थैंकफुल, एंड हाजिर हूँ मैं ऐसे काम करने के लिए। तोड़ा फोड़ी, मार कुटाई। हमने ना कहीं सुना था कि कंगना को किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि फिल्मों से आने से पहले ही बता दिया था कि एक दिन ये बहुत बड़ी स्टार बनेंगी, और इन्होंने उसकी बात मानने से मना कर दिया था। लेकिन आज जब आप 5वीं बार कपिल शर्मा शो पे आए, अब तो आपको यकीन हो गया होगा उसकी बात को। कंगना, हमने ट्रेलर देखा, बड़ा मजेदार है, और आप डिफरेंट डिफरेंट लुक्स में आप दिखाई दे रही हैं। तो ये लुक के हिसाब से पैसे मिल रहे थे आपको,
कि आपने पैसे इतने ले लिए कि डायरेक्टर ने कहा नहीं अलग अलग करवाओ इनसे। अरे यार इन्होंने जितना पैसा दिया उससे ज्यादा काम करवाया, हड्डियां तुड़वा दी मेरी, तो इतनी इन लोगों ने यार काम करवाया, सारे पैसे क्या उस इंटरेस्ट के साथ सब वसूल कर लिए इन्होंने। पाप लगेगा उसको, इतनी खूबसूरत लड़की को धूप में इतना एक्शन करवाया रात में। अच्छा मैं और प्रभावित कर रहा था दर्शकों को कि गर्मी में एक्शन किया है। आप सर सच बोल देती हैं। कोल माइन में यार, कोल माइन में पूरा गला छाती जम गई। जो हमारे डायरेक्टर हैं आएंगे अभी, आप उनसे क्वेश्चन पूछिएगा कि भाई तुम्हें जो है लोगों का टॉर्चर करने में क्या मजा आता है। और खासकर जो गन्स है जो गन्स थी हमारी फिल्म में, वो मुझे, मैंने कहा यार हम फिल्म में काम कर रहे हैं हमें नकली गन्स चाहिए। नो नो आई वांट यू टू हैव रियल गन्स। असली थी यार, कर देती उसकी तरफ एक बार डायरेक्टर की तरफ। और कुछ बताइए कंगना धाकड़ के बारे में। अरे धाकड़ बहुत जबरदस्त फिल्म बन के आई है, और जिस तरह से हम देखते हैं कि हमेशा हीरोज एक्शन करते हैं, पहली बार देखेंगे कि लड़कियां जब तोड़ा फोड़ी करती हैं तो कितनी जबरदस्त तरीके से करती हैं। और मुझे लगता है लड़कियां ऐसे होती बहुत लड़ाकू हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। पर जब मौका मिले तो हम भी करके दिखा सकते हैं, और ये फिल्म में आप सब देखेंगे। नहीं तोड़ा फोड़ी तो हम आपकी ट्रेलर आने से पहले ही समझ गए थे, आप काफी कर सकती हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वक्त है फिल्म में अहम किरदार निभा रहे कलाकारों को हमारे मंच पे आमंत्रित करने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता एंड शारिब हाशमी। अर्जुन भाई, दिव्या जी, शारिब, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अर्जुन भाई आपसे मुलाकात बड़े देर बाद हो रही है यार, कैसे आप? बहुत दिन हो गए। हमेशा ही 2017 में मिले थे हम लोग, पर इनको कभी भी मिल लो आप, इनकी पहली फिल्म देख लो, इनकी आज की फिल्म देख लो, ये इंसान ना कभी एक इंच कम ना कभी ज्यादा। पाजी आपने कोई महंगे कपड़े ले रखे हैं कि आपको डर है कि अगर मैं मोटा हो गया तो वो वेस्ट जाएंगे? इतना फिट कोई कैसे रह सकता है ऑल द टाइम? अच्छा कैमोफ्लाज कर लेता हूँ यार, एक्टर हूँ ना। कुछ बताओ पाजी, हम तो रात को दो चपातियां खा ले मुंह पे चार आ जाती सुबह। शारिब आप जिनको किस कर रहे हो आपको पता है कितनी खतरनाक चीज है, इसलिए दूर से कर रहा हूं। आप तो दूर से फ्लाइंग किस कर ले, उन्होंने वहीं से वैक्यूम कर लेना आपको। अच्छा दिव्या, आज अर्जुन और शारिब के साथ आई हैं, पिछली बार जसविंदर नूला जी और जस्सी पाजी के साथ आई थी, उससे पहले सुनिधि चौहान और संजय सूरी के साथ आई थी, ये इत्तफाक है या वेट करती दो लोग और मिले तो ऑटो शेयर करके आऊं? नहीं मतलब मैं क्या बोलूं। मैंने हमेशा दिव्या जी को देखा है, हमेशा हर बार किसी ना किसी डिफरेंट रोल में। अच्छा आपको बहुत बहुत मुबारक, मैंने अभी दो दिन पहले इनकी फिल्म देखी, पंजाबी फिल्म माँ। अच्छा। उसमें ये माँ बनी हुई है बड़े बड़े लड़कों की, आज माँ का रूप ही अलग है। धाकड़ में क्या किरदार निभा रही हैं दिव्या जी आप? धाकड़ में मैं बिल्कुल नेगेटिव रोल कर रही हूँ, और माफिया क्वीन। माफिया क्वीन। कंगना आपको इतना क्यूट फेस है, इनको आपने इनको नेगेटिव रोल क्यों दे दिया? अरे मैंने नहीं दिया, मेरे डायरेक्टर ने दिया है, बट आई टेल यू जो इनका रोल है जिस बखूबी इन्होंने वो रोल निभाया है, इट इज सच अ ग्रेट इंस्पायरिंग थिंग टू बी वर्किंग विद ग्रेट एक्टर्स लाइक दैट यार। थैंक यू सो मच। इस फिल्म की कास्टिंग तो आप सब देख ही रहे हैं, बड़े कमाल के परफॉर्मर हैं सब, अर्जुन भाई हैं, दिव्या जी हैं, कंगना है, शारिब है। शारिब आपके नाम के आगे तो हाशमी भी लगता है। हाँ। तो आपने कभी डायरेक्टर से कहा नहीं होटो से भी एक्शन करवाओ कभी? नहीं कोशिश तो की है, लेकिन अभी तक किसी ने मेरी अर्जी अभी तक कबूल नहीं की। तमन्ना है आपके मन में, है ऐसी तमन्ना तो सभी की होती है। बीवी देख रही है शो। अच्छा अर्जुन भाई के बारे में एक मैंने बात नोटिस की, इन्होंने जिन फिल्मों में भी नेगेटिव रोल किए हैं जैसे रावण, ओम शांति ओम, राजनीति और अब धाकड़, ये बड़े नेचुरल लगे हैं। अर्जुन सर आपको अलग से तैयारी करते हैं ऐसे रोल्स के लिए कि अंदर से शैतान है आप? पता नहीं यार कैसे हो जाता है। हाँ नेचुरल तो हूँ इसमें, मैंने ऐसे सोचा ही नहीं था। हैंडसम मैन यू आर पाजी। यार क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। शारिब आप बहुत फेमस हो चुके हैं, इतनी सारी वेब सीरीज, इतनी सारी फिल्में, और आज ये टेलीकास्ट के बाद तो आप घर घर फेमस हो जाओगे इंशाल्लाह। पाजी आपको अंदाजा नहीं है इस वक्त मैं अंदर, मतलब मेरे पूरे लड्डू इतने फूट रहे हैं, और ये जब एक्टर्स आजकल आते हैं ना तो उनके जो इतने सपने होते हैं कि यार एक बार अमिताभ बच्चन जी के साथ काम करना है, एक बार यू नो संजय भंसाली साहब के साथ काम करना है, तो उसके साथ में एक और जुड़ गया सपना कि यार एक बार कपिल शर्मा शो में जाना है। तो एक सपना मेरा आज पूरा हुआ है। शुक्रिया पाजी आपके प्यार के लिए। आज बिठाएगा नहीं किसी को, खड़े रखेगा। कई लोग मेहनत करके कमाते हैं।
सबकी किस्मत में थोड़ी ना बैठे बैठे कमाना क्यों भाई साहब, एक बार देख चुके हम आपकी ड्रेस, बैठ जाइए आप प्लीज। देखो ये आपके बैठने से खुश नहीं, आपके खड़े होने से खुश नहीं। मैं रुड़क जाऊं? हाय अर्चना जी, ऐसा ना बोलिए, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कोई और इंसान भले ही ऐसा चाहता हो, कोई पंजाब में बैठा ऐसा सोच रहा हो तो मुझे पता नहीं। ओ, किसी का मैसेज आया। अच्छा क्या? अच्छा सिद्धू भाई, आई विल कॉल यू लेटर। जैसे कंगना का डायलॉग है ना कि जिस्म से रूह अलग करना मेरा बिजनेस है, आपको पता है अर्चना जी मिक्स नमकीन में से बादाम अलग कर लेती हैं और कोई रोके तो जिस्म से दांत भी अलग कर देती है। ये भी फोन करके किसी ने बताया तुझे बोलने के लिए? आपके हस्बैंड का ही आया था। कंगना, आपको वैसे ज्यादा किस तरीके की फिल्में करने में मजा आता है, एक्शन या रोमांस, कैसी फिल्में? देखिए सबको रोमांस ही अच्छा लगेगा, ऐसी हड्डियां कौन तोड़वाए। हाँ तो नेचुरली सी बात है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इतनी इंजरीज हो जाती है, चाहे आप सब कुछ ठीक भी करें फिर भी यू नो, तो नेचुरल सी बात है रोमांस एनी डे, और ऐसे हॉट लड़के के साथ में तो रियली रोमांस एनी डे। मेरे साथ एक्शन ही करते हो, मेरी हड्डियां तोड़ रही है पिक्चर में, देख लो। बट हाँ, हमारा डायरेक्टर है, उसके सपने कुछ और थे और वही सपने आप देख रहे हैं। पर बड़ा कमाल का ट्रेलर है आपका, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आइए प्लीज विराजमान हो जाइए। अर्जुन सर, हमने सुना है कि ये फिल्म की शूटिंग पहले थाईलैंड में होने वाली थी, वहां का शूट कैंसिल करके हंगरी में किया गया, तो प्रोड्यूसर डर गए थे कि मतलब बजट इधर उधर हो ना हो, कहीं क्रू मेंबर ना इधर उधर हो जाए। नहीं, बजट तो बढ़ गई ना, हंगरी में बहुत सारी, थाईलैंड में तो सस्ते में हो जाती थी, मगर थाईलैंड में कोविड हो गया था तो फिर वहां जा नहीं, शूटिंग भी हो जाती, मसाज भी हो जाती, कितनी सारी चीजें एक जगह। अर्जुन सर, वैसे आपने तो बहुत सारी कंट्रीज में शूट किया, कौन सी कंट्री में आपको सबसे ज्यादा मजा आया आज तक? आई थिंक बुडापेस्ट में बहुत मजा आया, बहुत ही कमाल का शहर है, यूरोप में सबसे सस्ता शहर भी है वो, तो बुडापेस्ट। अच्छा नोट कर लो, आप यूरोप जाना था ना आपको, बहुत अफोर्डेबल है, मैं तो यूरोप में जाते हो तो वापस आते हो तो फिर तीन फिल्म और साइन करनी पड़ती है। अच्छा अर्जुन सर के बारे में हमने सुना है कि इनको भी हॉलीवुड के बड़े सारे ऑफर्स आते रहते हैं। अर्जुन सर बिल्कुल नहीं आते यार, ये कहां से सुना है? अरे कहीं तो हमने सुना है कि अर्जुन सर ने कहा कि मुझे मजा नहीं आता कि वो ऐसा मतलब हॉलीवुड के प्रोजेक्ट सुन के। अरे नहीं नहीं, वो क्या होता है कि कभी कभी वो भेज देते हैं, आई थिंक गलती से भेज देते हैं मेरे पास, बोलते हैं कि ये रोल है, और फिर वो रोल वैसा ही होता है जैसे कि कोई कैब वाले का हो, यू नो जो इंडियन वहां पर हो उस टाइप का। कोई कैब वाले का रोल नहीं देने वाले यहां पे। हां नहीं नहीं, वो अच्छा, दिव्या जी ने भी काफी इंटरनेशनल फिल्म्स की हैं। अर्चना जी का एक सवाल था, बोलनी जब आपको चेक मिलता है बाहर से कोई, उसी समय कैश करवा लेती हैं कि वेट करती हैं कि डॉलर का रेट बढ़ेगा तो कैश कराऊंगी? मैं वेट कर रही थी कि मैं उनसे एडवाइस लूं इस बारे में कि क्या करना चाहिए। पहले ले लेना, इनसे एडवाइस मत लो, छीना झपटी वाले काम आपको सूट नहीं करेंगे। अच्छा अर्शद वारसी का असुर हिट हुआ, उसमें शारिब थे, फिर मनोज वाजपेयी साहब का फैमिली मैन हिट हुआ, उसमें ये थे, हर प्रोजेक्ट में जिसमें होते हैं ये हिट हो जाता है प्रोजेक्ट, कभी ऐसा मन में ख्याल आता है कि साला अपुन ही छिट करता है सब कुछ? अरे नहीं है? ऐसा कभी ख्याल नहीं आया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर हिट फिल्म में मैं रहूँ। ये तो सारे ही चाहते हैं। हाँ। और मैं चाहता हूँ, नहीं फिर हम टीवी पे आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ इन तीनों का लक भी मुझे लग जाए इसमें, इस फिल्म से, और बिल्कुल आप सब लोग कमाल के परफॉर्मर्स हैं। वाह, आज अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दे रही है तू। पूरा बोल, मैं चोर। हाँ हूँ मैं चोर, लाखों करोड़ों लड़कों का दिल चुराया है इस बूढ़ी ने। खुश। हाय हाय जिंसु। हेलो हेलो कंगना मैम। आई एम वेरी गुड। हेलो दिव्या मैम। हाय। सो गुड टू मीट यू। पता है मैं एक्चुअली आपका वेलकम बहुत अच्छे से करना चाहती थी, लेकिन एक सिचुएशन आ गई है, वो मेरे होटल में, ये मेरा होटल है चिल पैलेस, चोर घुसा आया है। चलो कोई तो घुसा, नहीं तो इसमें कस्टमर कोई आता ही नहीं है। सर आप मेरी मदद कर दीजिए, 5-10 रुपए से ज्यादा नहीं करना, बस मुझसे पंगे मत लो कप्पू, क्योंकि मैं भी ना बिल्कुल कंगना मैम की तरह धाकड़ हूँ, ओके, छठी का दूध याद दिला दूंगी तुम्हें।
जिस भी देवी देवता को मानती है उस पर हाथ रखे कसम खा, छठी क्लास के बाद तूने दूध का मुंह देखा? दूध भी तुम लोग मिलावट वाला पीते हो? उस दिन दूध पे मलाई आ गई, कहती हो माय गॉड दूध के ऊपर टिश्यू पेपर कौन रख गया? फालतू बातें कर रहा है। हमारा तो खानदानी तबेला है, दादाजी के 12-12 भैंसे थी। सारी भैंसे 12 की 12 काम पे लग गई है, वेली घूम रही है इधर। आ गई है। यार मेरे आती है कबू, तुम कैसी बातें कर रहे हो? कम से कम ग्लैमर की रिस्पेक्ट कर दो। कम से कम ही बनती है, मैं कर रहा हूँ और कितनी करूँ रिस्पेक्ट मैं। कपूर शर्मा, मेरे हुस्न की कदर उनसे पूछो जो मेरे हुस्न की दीदार में बड़ी बड़ी गाड़ियां रोक देते हैं। देखो टोल प्लाजा पे तुम काम करती हो, गाड़ियां रुकेंगी, उसमें ऐसा कोई नहीं है। और ये लंबे लंबे पॉज मत लिया करो, मैं एडिट में सब कटवाऊंगा। इतनी फुटेज ले जाते हैं ना ये, इनको पता है डायलॉग तो हमारे कट सकते हैं, ये पॉज लेके जानबूझ के जगह बदलती है, एडिटर काट ना पाए। नॉर्मली एपिसोड वो कंप्यूटर पे काटते हैं, जब इनका रोल आता है ना बड़ी वाली माली वाली कैंची लेते हैं। खड़ा किस चीज को लेके शुरू हो गए? मैंने गाइस आप लोग का ट्रेलर देखा फिल्म का, एंड इट इज सो अमेजिंग, इतना मजा आया देख के। और मैम आपका वो डायलॉग, जिस्म से रूह अलग करना बिजनेस है मेरा, दैट्स माय फेवरेट लाइन। अपना वाला सुना कि बालों से जुएं अलग करना बिजनेस है मेरा। मेरे को बोलती रहती मैं ना कंगना से बड़ी इंस्पायर्ड हूँ हमेशा, अब आ गई सामने बोलना। बट मैं और मेरी फैमिली आपकी फिल्मों से बहुत इंस्पायर्ड है, वो सच है। आपकी लाइफ में मेट्रो आई थी ना, उसके बाद से सारी फैमिली मेट्रो में शिफ्ट हो गई, पता है? कोई पत्थर बजा के गाने गा रहा है, कोई पेन बेच रहा है, दे आर वेरी इंस्पायर्ड। मतलब वो लोकल का टीटी यही है, तो इसी को पता है ना मेरी फैमिली क्या कर रही है। फिर कहती मुझे पंच नहीं देते, देते तो तू सही खराब कर देती है। देखो तुम्हारे चक्कर में ना मैं भूल चुकी हूँ कि चोर है मेरे होटल में, कुछ करोगे तुम? अरे चोर चोर कैसे हैं आप? चंदू तुम? और क्या, तुम क्या सोचती हो कि तुम्हारे होटल की चादरों में से ब्रेड पिट बाहर आएगा? ब्रेड के चक्कर में रोज पिटने वाले इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे होटल में चोरी करने की? दूसरा पंच तुमने खराब किया अब। हाँ, ब्रेड पिट। ओए सुनो खड़े होके, तेरे को पता बड़े बड़े लोगों से बात नहीं करनी, कंबल बिछा इधर लेट आराम से। चोरी नहीं कर रहा होगा ये, धुलने के लिए लेके जा रहा होगा, धो के वापस दे देगा। पिछले 5 एपिसोड में मैं कुछ ना कुछ धो ही रहा हूँ, पता नहीं इतना गंदा करके कौन जाता है। कपूर शर्मा भूरी बीच में मत बोलना, अभी कैसे मेरे को बात करने दो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? गाइस के बारे में तेरे को किसने बताया? गाइस भी कोई वर्ड होता है? दिव्या जी आपको पता है आप में और मुझ में बड़ी सिमिलैरिटीज हैं। कौन? आपने इंडस्ट्री में एक अलग नाम बनाया, मैंने एक अलग मुकाम बनाया। मकान तेरे से बन नहीं रहा क्या? ये आपको पता फुटपाथ पे सोता है, वो मेट्रो का काम चल रहा है ना, आगे बोर्ड लगा रहता ना, काम चालू है, उसके बिल्कुल पीछे इसका बेडरूम है। उस दिन कोई बोर्ड उठा के ले गया तो कहता यार मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरा कोई लैंडमार्क उठा के ले गया। जा यार। तो कपूर शर्मा, चंदू अपने आप में एक ऐसा एड्रेस है जिसको लैंडमार्क की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। हाँ कपूर शर्मा प्लीज गेस्ट से बात करना। अर्जुन सर आपको पता है मार्केट में आजकल मेरी वैल्यू बढ़ती जा रही है, यू नो व्हाई? व्हाई? मैं बताता हूँ क्योंकि उसका कारण है सर, जो आपकी फिल्म आई थी ना नेल पॉलिश, वो पहले मुझे ऑफर हुई थी। फिर इसने कहा कि नेल पॉलिश नहीं मैं करूंगा, बूट पॉलिश मेरा ठीक है, कैश पेमेंट आती है। फिर इसने मना कर दिया था। सर उसमें पैसे मिलते हैं कैश, तो इधर मिल रहे थे चेक से, तो उसका टीडीएस कट जाना था, फिर वो मैंने कहा नहीं। ओ कैश चेक छोड़ो इसको, तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई चोरी करने की? जरा बताओ। नहीं कर रहा था तुम्हारे होटल में मैं। कंगना जी चक्कर पता क्या है, इसने मेरी दुकान से 500 रुपए का सौदा लिया था, मेरे पैसे इसने दिए नहीं, बस उसका हिसाब किताब बराबर करने के चक्कर में मैंने इसका सामान उठाया। तूने उसका 500 रुपए के चक्कर में तकिया चादर उठा लिया? तेरा जब सोनी हिसाब करेगा लाखों का, तेरे तो डैडी को उठा के ले जाएंगे वो। ये और डैडी नहीं उठाएंगे, सोनी वाले पेन उठाएंगे और चेक पे साइन करेंगे और बोलेंगे चंदू अमाउंट भर लो। ओहो अरे यार सामान उठाने की क्या जरूरत थी, पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेते। और तुम तो खुद लोगों से रुपया रुपया मांगते हो, तुमसे क्या मांगता मैं? कंगना जी आपको पता है मैं इसको बड़ा प्यार करता हूँ, लेकिन जब ये मुझे ना करते मेरे को जहर जैसी लगती है ये। घोल के पी जाओ। ओ मेरी बात सुनो, रुको
कंगना जी इसको बोलो जहाँ तो मेरा 500 रुपये वापस कर दे, जहाँ मेरे साथ शादी करके दुकान की मालकिन बन जाए। दिमाग दिमाग खराब हो चुका है, इससे शादी करूंगी मैं? यार मेरे लिए कोई अर्जुन रामपाल जैसा आएगा मेरी लाइफ। मेरी बात सुनो, तुम्हारे लिए कोई रामलाल जैसा है वो बहुत बड़ी बात है, अर्जुन रामपाल जैसा आ जाए तो सोच समझ के बात किया करो। मेरे पैसे वापस करो वरना। वरना क्या 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 कर लोगे तुम, बोलो क्या कर लोगे? विल यू मैरी मी प्लीज? प्लीज बोलिए। इस वेले से करूं मैं शादी? इस वेले से? हाँ जी, मैं वेला हूँ, ये सोनी टीवी में एमडी लगी हुई है। वो नहीं तो क्या, लग तो रही हूँ। हाँ लग रही हो बुरी, मेरी बात सुनो, वी आर बोथ वेले फॉर ईच अदर। वेले फॉर ईच अदर। हाँ और मेरी बात सुनो, मुझे हाँ कर दो, मेरे को बड़े ऑफर आ रहे हैं आजकल। हाँ बहुत ज्यादा ऑफर आ रहे हैं, देख लो, ये मेरा स्कूल का दोस्त है, ये भी 15 साल से दोस्त है, नेपोटिज्म हो रहा है कंगना, ये है सही वाला। ऑफर बड़े आते हैं इसको, और दुकानों पे लिखा होता ना बाय वन गेट वन फ्री, तो जा कहता है बाय तो क्या ही करूंगा, जो फ्री वाला है वो मेरे को दे दो। जा यार। दिव्या मैम देख रही, ऐसे इसके हालात है, चला मेरे खानदान से रिश्ता जोड़ने। तो खानदान तो तुम ऐसे कहती हो जैसे तुम्हारे पापा के रायपुर में किले हैं। मैं बताता हूँ अर्जुन सर, इतने कंजूस हैं ये, केले के पत्तों के सर इन्होंने बेडशीट बनाई उस पे सोते हैं, और रीजन पता क्या देते हैं? सपने बड़े फ्रूटफुल आते हैं हमें जी। जुबान संभाल के बात करो, बस बहुत हो गया तुम्हारा। अच्छा जुबान भी मैं संभालूं, शो भी मैं संभालूं? क्या क्या कहा तूने? तुम कुछ ना संभालना। क्या कहा तूने अभी? मैंने कहा जुबान भी मैं संभालूं। उसके बाद क्या कहा? मैं कहा तुम कुछ ना संभालना। बीच में क्या बोला? देखो मेरी एक एक लाइन का ये बंदा फैन है लेकिन मानता नहीं है ये। इतना ठंडा आदमी है यार, जब मैं बोलता हूँ तभी तुम सुन लिया करो ना, बिकॉज आई एम वन टेक आर्टिस्ट। वन टेक आर्टिस्ट, सारे लोग पैकअप के बाद चले जाते हैं, ये अकेला अपने पैच वर्क कर रहा होता है। ओ वन टेक आर्टिस्ट, जवाब दो ना, बोलो ना क्या बोला बीच में, बोलो। बीच में जू बीच में तो मैंने तुम्हें आई लव यू बोला था पूरी। मेरा पता नहीं लेकिन मेरे फैंस एक दिन तुमको जरूर जवाब देंगे। क्या कौन से फैन? मैं फैंस नहीं, वो जो 4-5 तेरे रिश्तेदार है, फैंस फैंस क्या होता है? वो भी नहीं है, इनके घर जो सीलिंग फैन लगा ना उसका तो खुद एक पर है, बेचारा ऐसे ऐसे करके घूमता है। आपको बताओ जब वो घूमता ना ऐसे लगता है इनको लानते दे के बाहर निकाल रहा है, चलो बाहर यहाँ से, चलो बाहर यहाँ से, चलो बाहर, चलो बाहर यहाँ, चलो बाहर यहाँ, चलो बाहर यहाँ, चलो बाहर यहाँ, चलो बाहर यहाँ से। बुरी मुझे हाँ कर दो, मेरे को बड़े रिश्ते आ रहे हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पता है तुम्हारे रिश्तों के बारे में कंगना मैम, लड़की वाले इसे देखने आए, इसको देखते ही वो लोग झूठ बोलने लगे कि नहीं 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 हम तो सेंसस से आए हैं। तीसरा पंच तूने बैक टू बैक खराब किया। People don't catch my humor, what to do? इसको लड़की वाले आए ना देखने, तो इसके माता पिता कहते आपने लड़का देख लिया, कहते हमने तो चलो आज ही देखना, आप रोज रोज कैसे देख लेते? यार ये ले सैनिटाइजर पी ले, क्या पता तू थोड़ा अच्छा लगने लगे। तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? ये तो इतनी बेवकूफ है, मैं बताऊं आपको दिव्या मैम, शादियां होती हैं ना, जब शादियां तो जीजा की जब जूते चुराते हैं तो एक रस्म होती है, फिर लड़कियां शगुन लेती हैं, इसने अपने जीजा के जूते चुराए, उसमें बाद में पॉलिश करके कहती जीजे शगुन रहने दो, पॉलिश के 20 रुपये दे दो बस। बेवकूफ मैं हूँ कि तुम हो? सर बेवकूफ ये है, लड़की को बोला कि चलो लॉन्ग ड्राइव पे जाते, लड़की बोला हाँ चलो लेट्स गो, उल्टा कहता है कि नहीं पैसे मैं मीटर के हिसाब से लूंगा, ये है इसकी बेवकूफी। चौथा बैक टू बैक। वाह वाह क्या हो रहा है? और मेरी बात सुन, हो गया तू एक बार, हो गया तू एक ही बार में लाइफ टाइम अचीवमेंट ले, हमारा पीछा छोड़, इसको फिल्मों में ले जाओ कंगना जी। आई डोंट माइंड मैम, प्लीज ले लो। मैं एक और बताता हूँ जी इसकी बात, उसके बाद ले जाना इसको। ये इसको लड़के वाले देखने के लिए आए। क्या बात कर इसको रहा है? और सही बात है, है? इसको देखा इसके मुंह पर चटनी लगा दी, सभी पूछने लगे इसके मुंह पर चटनी क्यों लगाई है, कहते हैं समोसे के साथ चटनी अच्छी लगती है। ओए क्रीम रोल, चल अपना समोसा उठा और निकलो यहाँ से, बहुत हो गया। उसको समोसा बोला तो समोसे में तो फिर भी आलू होता है, इसमें के बेचारे में क्या है? Excuse me, मेरे में अगर कुछ नहीं ना, तुम भी कोई अर्जुन रामपाल नहीं हो, he's here, OG. ठीक है, मैं अर्जुन रामपाल नहीं हूँ, तुम तो सोनी पाल हो ना? सोनी? क्या? सोनी पाल मतलब? जिसको सोनी पाल रहा है और क्या मतलब? हाँ तो ठीक है, सोनी मुझे पाल रहा ना, कम से कम मेरा दोस्त मुझे नहीं पाल रहा।
ये गलत बात है। कितनी बार कहा मैंने सच नहीं बोलना। ओ, मेरी बात सुन, क्या तुमने दोस्त दोस्त लगा रखा? हमारे होने वाले बच्चों का चाचू है वो। ए, दिमाग खराब हो चुका है क्या तुम्हारा? सुनो, ये मेरा सब सामान वापस करो, मुझे तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखनी। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर धाकर। और मैम, अगली बार मैं आपके साथ यहाँ बैठूंगी, फिर तुम बोलना पंचेस के बारे में। ये लाइन भी नहीं ठीक से बोल के गई। चलो भी कंबल उठाओ, ये चलो ट्रेन आने वाली है, अंधेरी स्टेशन पहुंचो फटाफट। आपको आपकी फिल्म के लिए बहुत बहुत बधाई दी, जोरदार तालियां की फिल्म के लिए। थैंक यू सो मच। आप अपने फैंस के लिए जो फोटोग्राफ्स वीडियोस कुछ भी डालते हैं, जो लोग ना बड़े मजेदार कमेंट्स करते हैं नीचे, दिखाइए जरा। कंगना ने ये फोटो डाला है, डिसाइडेड टू प्ले ए बॉली बिम्बो टुडे एंड शूट टिपिकल इंस्टा स्टाइल पिक्स फॉर माय हाईली इंटेलिजेंट इंस्टा फैमिली। बॉली बिम्बो क्या होता है कंगना? बॉली बिम्बो हो जाता है ना, जो कहते हैं आई कैन टच माय टंग टू माय नोज। आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं, बड़ी खूबसूरत फोटो है आपकी। फूल देखकर फ्लावर समझा क्या? फायर है कंगना। फूलों का क्या है, वो तो मुरझा जाएंगे। हम पे नजर डालो, जिंदगी भर साथ निभाएंगे। ऐसी शायरी गाड़ी के पीछे लिखवाने के लिए संपर्क करें। ओह गॉड। और दिखाइए। ओह मैन, ड्रेस और अनड्रेस, दैट्स द क्वेश्चन। ये फोटो आप जैसे ही डाल सकते हैं हम। लेट्स हैव द कमेंट्स प्लीज। यही सवाल मैं सर्दियों में नहाने से पहले सोचता हूं। आपके तो सिक्स पैक हैं, आप तो उतार सकते हैं। किसने रिप्लाई किया, नहीं भाई, चार पैक के बाद उतारनी मुश्किल होती है। और दिखाइए। अल्लाह, थोड़ा सा फन, थोड़ी सी मस्ती। ये कहाँ की फोटो है दिव्या जी? दिस इज आई थिंक यहाँ पे नासिक के पास, देयर इज अ लेक, देयर इज अ रिसॉर्ट देयर। फोटो किसने ली है? ये शायद मेरे भाई ने लिए। I was hoping for a more interesting answer. इतनी ईमानदार है, आपने बता दिया नासिक के पास। अर्चना जी होती तो कहती जोहान्सबर्ग की फोटो है ये। कमेंट्स दिखाइए। थोड़ा सा फन, थोड़ी सी मस्ती, बोट वाले को दो स्माइल, बोट पड़ेगी सस्ती। बहुत ही सही है। मुस्कुरा के दिव्या अपने मुंह के दत्ता दिखाते हुए। पीछे देख के आप क्या बोट को पार्किंग में लगा रही हो? डॉक्टर साहब आए आपके भाई साहब कहाँ हैं? डॉक्टर साहब हमेशा दिव्या जी के साथ आते, कभी क्लिनिक भी चले जाया करो। वो आपके लिए अपने केस कैंसिल कर गया। अरे क्या बात है, शुक्रिया डॉक्टर साहब, धन्यवाद। और दिखाइए कमेंट्स। ये लाइफ जैकेट में तकिया क्यों दिया है? रिप्लाई, डूबते डूबते अगर थक जाए तो सोने के लिए। और दिखाइए। En route Udaipur to meet my most special person, heart. हाँ जी। अरे ये मैंने कृष्णा के लिए लिखा था, God Lord Krishna. मैं श्रीनाथ जा रही थी उदयपुर से, तुम तो मुझे ऐसे देखो जैसे पति हो। नहीं मैंने ऐसे थोड़ी बोला, आपके मुंह से निकला पति बना लो। देखो सारे दो बच्चों के बाप इसी मूड में रहते हैं। अरे दो बच्चों का बाप मैं। हे भगवान, मेरी शादी अंधेरी वेस्ट में हुई, गोरेगांव में मैं बैचलरी हूँ। दिखाइए जरा कमेंट्स। मैडम उदयपुर में मेरे फूफा जी रहते हैं, उनको नमकीन का डिब्बा भिजवाना है, ले जाओगी? बड़ा ही छोटा कमरा लिया आपने उदयपुर में। इसकी छत भी नीचे है और कमरे में कुर्सियां ही कुर्सियां हैं। रिप्लाई, इस कमरे की एक और खासियत है, ये उड़ता भी है। और दिखाइए। अल्लाह, फ्राइडे फीलिंग। दिखाइए नीचे कमेंट्स। सर एक बात बोलूं, आप डर जाओगे, आपके पीछे भूत है। गुड वन, गुड वन। इतने बड़े आदमी हैं, इन्होंने दो बूथ रखे हैं, एक इनकमिंग के लिए, एक आउटगोइंग के लिए।
हाँ जी और दिखाइए, टशन बस ऐसे ही दिखाइए नीचे कमेंट्स। बैंक वालों की तरफ से रिकवरी करने आई महिला गुंडी। मैं भी एक बार ऐसे बोनट पे बैठ गया था, बोनट गर्म था, मेरे दोनों डोनट पक गए। बाप रे ये बेस्ट। आपके जूते देख के मुझे याद आया परसों मेरा रिजल्ट आने वाला है। ध्यान से देखो इस सफल औरत के पीछे एक आदमी का हाथ है। अच्छा और दिखाइए। ओफ अरे लवली। मालवानी का स्पाइडरमैन। नंगे पैर वाला स्पाइडरमैन पहली बार देखा है। कमेंट्स दिखाइए। ये पहला स्पाइडरमैन है जाल फेंक के खुद ही फंस गया। ये तो टेक्नोलॉजी है जो आप स्पाइडरमैन बन गए, वरना ऐसी हरकतों से आप बच्चे से मैन बन गए यही बड़ी बात है। एक बात तो पक्की है, आपने पजामा अच्छी क्वालिटी का खरीदा हुआ है। और दिखाइए। देखा लड़कियों के लंबे कैप्शन। यू मे गिव योर लव योर ऑल टू ह्यूमंस टू विन देयर अफेक्शन बट वन स्मॉल लिटिल मिस्टेक दे विल चेंज देयर माइंड अबाउट यू बट वंस एन एनिमल गिव्स हिज हर्ट इट्स विद यू ऑलवेज। व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइन एक्चुअली। दिखाइए कमेंट्स। घोड़ा बी लाइक आप तो बड़ी हीरोइन है, कम से कम काजू बादाम तो खिलाओ। आप घोड़े से प्यार करती हो, गधे से भी करती हो क्या? मेरे घर वाले मुझे गधा कहते हैं। और दिखाइए। कंगना जी ये बूट आप घोड़े को पहनाएं, दौड़ना उसको है आपको नहीं। गुड वन। सही। और दिखाइए। ट्राइंग समथिंग न्यू क्वारंटाइन क्वारंटीन लाइफ। भाई आप भी करते हो पेंटिंग वगैरह? कोविड में था कुछ करने कोशिश कर लूं बस। नहीं मतलब आपने स्टार्टिंग नहीं किया कि पैसे करते हो? छोड़ दी, पता चल गया कि इट्स नॉट फॉर मी। दिखाइए नीचे कमेंट। समझ नहीं आ रहा क्या बनाया है, ये पेंटिंग जरूर महंगी बिकेगी। नहीं भाई। अर्जुन भी लाइक ट्राई करने में क्या जाता है, नहीं बना तो बोल दूंगा मॉडर्न आर्ट है। चार दिन हो गए नया ट्राई करते हुए, आप पुराना ट्राई करो, झोपड़ी पीछे दो पहाड़ बीच में सूरज। हाँ ऐसी। हाँ और दिखाइए। अरे बाप रे खत्म। और अब वक्त है फिल्म भाकड़ के डायरेक्टर साहब को यहाँ पे बुलाने का। प्लीज वेलकम मिस्टर रजनीश घई। बहुत बहुत स्वागत है सर। घई साहब आप पहरावे से मतलब ऐसा लग रही ना डायरेक्टर, ऐसा लग दुबई से फाइनेंसर आया कुछ उनका पैसा लगा। सर मैं भी पंजाबी हूँ थोड़ा संभल के। पर सर आप ट्रेलर देखा बड़ा मजेदार है, बहुत बहुत मुबारक आपको। सर आपने कंगना जैसी खूबसूरत लड़की से आपने जो मार पिटाई करवाई है बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। ये पहले से आपने जब स्टोरी लिखी थी कंगना को ध्यान में रख के लिखी थी कि कंगना जब धड़ाधड़ धाकड़ ट्वीट कर रही थी उसके बाद आपके दिमाग में आया कि यही है मेरी हीरोइन? नहीं मेरी एक ही चॉइस थी कंगना शुरू से। अच्छा जी। नहीं फिल्म के लिए कि वैसे भी? फिल्म के लिए। रजनीश जी हमने सुना है ये आपके पुराने मित्र हैं शारिफ भाई। या चार साल रोज इनकी शक्ल देखी है। अच्छा इनको काफी फिल्में दिखाई थी मैंने। अच्छा जी। ये बदौलत वर्ल्ड सिनेमा का तारुफ मुझे हुआ है, इन्होंने कराया मुझे। अच्छा जी। दुनिया भर की, पहले तो मैं सिर्फ उसके पहले टीवी नहीं था आपके पास? धर्मेंद्र जी की नहीं, उसके पहले मैं सिर्फ यही फिल्में देखता था। अच्छा जी। तो फिर ये पुरानी दोस्ती आपकी, ऑडिशन दिया कि दोस्ती कोटे में हुई ये फिल्म? ये दोस्ती यारी में हो गई सर। देखो बंदा मुंह पे बोल गया यार, दोस्ती यारी में हो गई। कंगना ये बुक रीडिंग का शौक है आपको, ये कब से लगा, जब से आपको ये लगा कि लिखती मैं जो भी हूँ फिर पंगे हो जाते, इससे अच्छा बुक रीडिंग करूँ? ये शौक शुरू से था आपको? ये कहाँ से लाई ये बात तुमने कपिल? पढ़ने का मुझे शौक इसलिए था क्योंकि मैंने बहुत छोटी उम्र में काम करना शुरू कर दिया था, ऑलमोस्ट स्कूल से निकल के ही। अच्छा तो मुझे बहुत ही आउट ऑफ प्लेस महसूस होता था जब भी लोग बातें करते थे आपस में, चाहे लिटरेचर की करते थे चाहे कुछ भी। मैंने पढ़ाई की नहीं थी तो मैंने अपने आप को खुद सेल्फ एजुकेट करना शुरू किया, तो वहाँ से आदत लग गई किताबें पढ़ने की। बड़ी अच्छी आदत लगी है। आपको सीखने का बड़ा शौक है मैंने सुना है, अभी आप कोई स्क्रीन प्ले का कोर्स या कुछ? हाँ मुझे सीखने का बहुत शौक है और मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं जब भी किसी के साथ बैठती हूँ तो उनके बारे में जानना, उनकी कला के बारे में हमेशा अब्जॉर्ब बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो मैंने फॉर्मल एजुकेशन भी ली है स्क्रीन राइटिंग की, फिर मैंने अपनी 23-24 साल की उम्र में एक छोटी मिनी फिल्म डायरेक्ट की थी कैलिफोर्निया में इंटरनेशनल क्रू के साथ में। अच्छा जी। तो मुझे बहुत शौक है नई चीज़ें सीखने का, नई चीज़ें करने का।
बहुत अच्छी बात है। भाई साहब जैसे कंगना को खुद भी बड़ा शौक है स्क्रिप्टिंग का, राइटिंग का, और डायरेक्शन भी ये कर लेती हैं, तो फिर घुसी आपके काम में इस फिल्म में? बिल्कुल नहीं सर, मुझे डर था लेकिन नहीं हुआ। अच्छा, डर था आपको? ओह, पर ये इस फिल्म में ना जो सारे आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं ये मल्टी टैलेंटेड लोग हैं। अभी दिव्या जी की भी बुक रिलीज हुई है जी। दिव्या जी मुबारक हो आपको। फिर अभी भी दिमाग में आपके दो पोस्टर घूम रहे हैं, एक तो मैंने उनकी माँ का पोस्टर देखा था जिसमें सफेद दुपट्टा लेके बेचारी माँ है जो अपने बच्चों के लिए लड़ रही है, और दूसरी सीधी मैंने देखी धाकड़ा ऐसे बैठी हुई। मैं क्या, वाह ये एक ही एक्टर है, वाह। कुछ अफवाहें हैं जो सेलिब्रिटीज के बारे में उड़ती रहती हैं, हम नहीं मानते, हम सामने कन्फर्म करते हैं। कंगना आपके बारे में ये अफवाह है कि आप किसी से नहीं डरती, लेकिन अफवाह ये है कि छिपकली देखते ही आप चिल्लाने लगती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं छिपकली देख के चिल्लाने लगती हूँ, लेकिन डेफिनेटली मुझे छिपकली से डर लगता है। इसके पीछे क्या कारण है? बहुत सारी लड़कियां छिपकली से डरती हैं। क्योंकि वो अचानक से आ जाती है ना। तो क्या महीने का नोटिस देके आए आपको? क्या क्या मतलब आप छिपकली अचानक से आती है? सारे जानवर अचानक ही आते हैं? नहीं, सारे जानवर ऐसे नहीं होते, वो कभी भी बैठे हुए कभी भी आप पे गिर जाएगी, हार्ट अटैक आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे वैसी चीज से जो बहुत ही मतलब एकदम से स्लिथरिंग टाइप होती है ना, वो ऊपर से कैसी वैक्सिंग करवा के आई रहती है ना 24 घंटे। दिव्या जी आपके बारे में अफवाह है कि आप हर साल सेंटा बनकर गिफ्ट देने के बहाने दूसरे में घुस जाती हैं और टांका झांकी करती हैं। नहीं, मैं सिर्फ अपने घर में जाती हूँ और सेंटा बनके और गिफ्ट्स लेकर जाती हूँ वो अपने नीस और नेफ्यू के लिए। हाँ। ओके। अर्जुन सर आपके बारे में अफवाह है कि ओम शांति ओम के बाद एक फ्लाइट में आप ट्रेवल कर रहे थे और एक बच्चा आपको सच में विलन समझ के डर गया था। बिल्कुल सही है, मैं बैठा था फ्लाइट में और उनके पेरेंट्स आए और बोले कि हम आपके बहुत फ़ैन हैं, ओम शांति ओम हमें बहुत पसंद है, लेकिन हमारा बच्चा वहाँ पर बहुत रो रहा है। तो इसे क्यों वो बोल रहा है? माइक के आगे बैठा है। माइक के आगे बैठा है। शारिब आपके बारे में ये अफवाह है कि स्ट्रगल के दिनों में लोकल ट्रेन के दरवाजे पे खड़े होकर जाने की इतनी आदत हो गई है कि अब आप प्लेन में भी जाते हो तो दरवाजे पे खड़े हो जाते हो। ये बात सही है? ये बिल्कुल करेक्ट है भाजी। है? अभी 2 दिन पहले से मेरा टाउन में शूट चल रहा है तो मैं रोज ट्रेन में ही जा रहा हूँ। अच्छा, दिव्या जी आपके बारे में ये अफवाह है कि आपको बाथरूम में पढ़ने की इतनी आदत है कि स्कूल में भी क्लास में ना बैठ के आप बाथरूम में बैठ के पढ़ती थी। जी, एक्चुअली ना मुझे लेट के पढ़ने की बड़ी बुरी आदत थी। अच्छा, और मैं जब मतलब क्लासेस के लिए पढ़ती हूँ ना तो नींद आ जाती थी, आई यूज टू स्लीप। तो फिर मुझे मेरी माँ ने कहा कि उठ के बैठ के पढ़ो। सो आई सेड फाइंड मी अ प्लेस वेयर आई कांट लाई डाउन। कान पकड़े और सीधा बाथरूम में बैठा, यहाँ बैठो, यहाँ नहीं सो सकती हो तुम, तो वहाँ बैठ के पढ़ती। शारिब आपके बारे में ये फायदा कि एक बार किसी लड़की का पीछा करते करते उसके साथ आप टाइटैनिक पिक्चर भी देखा है, उसको पता भी नहीं चलने दिया। अरे हाँ, ऐसा इतने चालू हुआ आप? वो हूँ मैं, नजर चालू है। मतलब शक्ल थोड़ी वैसी शरीफ वाली है। क्या कहानी थी हमको बताओ? नहीं मतलब मैं किसी को लाइक करता था। अच्छा। और वो भी मुझे लाइक करती थी, फिर बाद में ब्रेकअप हो गया, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं था वो ब्रेकअप। और फिर भी मैं स्टॉक किया करता था। फिर वो पता चला कि किसी दोस्त के थ्रू की वो फिल्म देखने जा रही है, तो सिर्फ उसे देखने के लिए मैं भी टाइटैनिक देखने चला गया। टिकट खरीदी, डूब रहा था, आपको उसकी कोई चिंता नहीं। सर यहाँ अपना खुद का जहाज डूबा पड़ा था, मैं अपनी जहाज की चिंता करूंगी। भाई साहब आजकल स्टॉक मार्केट का क्या चल रहा है आजकल? पता नहीं आपको देख के ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं मन में। म्यूचुअल फंड ठीक चल रहे हैं, फ्लाइटें टाइम पे उड़ रही हैं, किसी बड़ी एयरलाइंस के सीईओ भी लगते हैं ये। अच्छा कंगना, हमारे ना कुछ दर्शक हैं जिनको ये लगता है कि वो आपके लिए परफेक्ट मैच हैं, बोल रहे थे जब कंगना आएंगे तो हम उनको अपना टैलेंट दिखाना। कौन कौन है भाई साहब जो मरना चाहते हैं? हाँ ये, अच्छा एक आप हैं, और कौन है? दो और, आइए आइए। क्या हाल है सर? हेलो, वेलकम, हाय हाय, वेलकम। आइए पहले आप अपना परिचय दें, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आयुष है। आयुष कहाँ से आए आप? मैं यहीं गोरेगांव से। आपने बोला कि मैं कंगना के लिए परफेक्ट मैच हूँ, क्या कर सकते हैं आप कंगना के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, यू आर सो गॉर्जियस, मुझे प्रोसेस नहीं हो रहा है, यू आर सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी, आई एम गेटिंग नर्वस। आप इधर बैठिए आराम से बैठिए। अरे यार आयुष, आयुष मान भव बैठिए आप, जो आपका मन है आप बोल सकते हैं। Okay. कुछ नहीं कहेगी कंगना, बाहर जाके बढ़ेगी आपको पीट दे वो।
सो मैम मुझे ये लगता है मैं आपके लिए परफेक्ट मैच हूँ. जैसे एक हस्बैंड होता है ना, वो अपनी वाइफ में जो क्वालिटीज देखता है. आप तो इतनी बड़ी स्टार है, आप शूटिंग्स में इतनी बिजी रहेंगे और आप इतने एक्शन सीक्वेंसेस कर रहे हैं, तो एक कोई तो होना चाहिए इंसान जो आपका ख्याल रखे, आपके लिए खाना बनाए, जब भी आप शूटिंग पे जाएं आपका मूड कभी खराब हो तो वो सही करने के लिए हमेशा अवेलेबल हो. बेसिकली काम करने का दिल नहीं, मुफ्त में बैठ के खाना है आपको. आपने पति बनना है कि नौकरी करनी है उनके यहाँ? तो आपके लिए मैं हर चीज करने के लिए रेडी हूँ. कंगना कहती है अच्छा फिर ठीक है. कंगना को ना डांस जो मतलब आपको डांस आता है? नहीं नहीं आता है. Very bad at dance. कंगना की फिल्म का डायलॉग सुना दो कोई. उनको देख के तो मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है. अच्छा बोलिए. किधर जा रहे हो? अच्छा किधर जा रहे हो? इतनी शिद्दत से मैंने तुझे पाने की ख्वाहिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुझसे मिलाने की साजिश की है. कैसी मीटिंग है? हर जर्रे ने मिलाने की. मैं जर्रा हूँ? बस आपने बातों का हलवा बना दिया करके कुछ नहीं दिखाया कंगना को, कोई डांस कुछ ऐसा एक्शन वैक्शन? ये डांस था कि आपने सुबह कुछ गलत खा लिया जो हजम नहीं हो रहा आपको? शुक्रिया आयुष. थैंक यू सो मच. वाह इतना आपने प्यार से अपने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं कि मुंह पे ना आए आपको. आइए आप भी बैठिए, इधर आइए कंगना आप बैठिए प्लीज जी. आपका क्या नाम है? हेलो कंगना मैम, मेरा नाम केशव कौशल है. केशव कौशल बड़ा टंग ट्विस्टर वाला नाम रखा है ना. मैं जूस आया हूँ. अच्छा जी. आई थिंक कंगना मैम बाय द वे आप बहुत प्यारी लग रही है. बाय द वे तो कौशल केशव केशव कौशल मेरी बात सुनिए. जूहू में रहते हैं आप? यस सर. क्या करते हैं आप? मैं एक्चुअली अभी योगा ट्रेनर हूँ. मैं बिजनेस. अच्छा अरे योगा ट्रेनर हूँ बिजनेस करता हूँ. हाँ उसी का बिजनेस. योगा ट्रेनर बिजनेस क्या होता है? आप जो योगा तो मतलब क्लासेस कि जिनको योगा सिखाते हो आगे उनको भेज देते हो बाद में सिखा के? नहीं हम कंपनी. अच्छा केशव कौशल कंगना के लिए क्या कर सकते हैं आप? मैम आई थिंक मुझे लगता है कि मैं आपका सबसे बेस्ट मैच हूँ. यू रियली थिंक? मैं आपको आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, आपको हर परिस्थिति में खुश रख सकता हूँ. मैम आप बोले मुझे पहाड़ पर चढ़ने, मैं आपके लिए पहाड़ पर भी चढ़ सकता हूँ. क्यों पहाड़ पे चढ़ना है उनको? उनका काम जमीन पे अच्छा चल रहा है. अच्छा तुम इतना हिल क्यों रहे हो? What happened? तो चीज है जो तंग कर रही है आपको अंदर. पिछली जेब में डाला है कुछ? हाँ जी आप कुछ बोल रहे थे. मैं आपके लिए पहाड़ पे चढ़ सकता हूँ. आप बोले वो नहीं चढ़ना उनको पहाड़ भाई. केशव कौशल कंगना कहे तो 31 दिसंबर को ठंडे पानी के साथ नहा सकते हो? हाँ नहा सकते. आज क्यों नहीं नहाए फिर? नहीं केशव आप बड़े प्यारे हो यार. आइए. नमस्कार भाई साहब. आपकी अभी तक हुई नहीं शादी? शादी तो मेरी हो गई है. बच्चे भी हैं आपके? बच्चे दो हैं लेकिन वो गलत में. ये आप बच्चे कहाँ हैं? वो गुजरात से नड़ियत से बिलोंग करता हूँ. वहाँ पे शादी वहाँ हुई ना, यहाँ तो मैं अभी महाराष्ट्र मुंबई में. कपिल तुमने क्या? कंगना ने ठीक ही बोला था. दो बच्चे पता नहीं क्या हो जाता है दो बच्चों के. भाई ठीक आइए. सीना जी मेरा नाम सनत पंड्या है. सनत जी बहुत बहुत स्वागत है. क्या करते हैं आप? बाय प्रोफेशन में एडवोकेट हूँ. और बाय शौक एडवोकेट हैं आप? एडवोकेट. अरे वाह. तो अभी आप यहाँ मेरे लिए क्या कर सकते हैं? गाना डांस कुछ? डांस गाना तो फिल्म इंडस्ट्री पूरी पड़ी आपके लिए करने के लिए. फिर यहाँ क्या केस लड़ोगे? मैं ये लीगल कर दूंगा अगर कोई आपका केस नहीं सॉल्व हो रहा कुछ भी हो. अच्छा ये तो चलो हंसी मजाक हो जाएगा. जब आप घर जाएंगे तो जो दो बच्चे आपने और आपके पार्टनर ने मिलकर प्रोड्यूस किए हैं वो उनसे आपको डर नहीं लगता? नहीं मैं उनको प्रॉमिस करके आया था. क्या? कि जैसे गुजरात में तो उनको खुश रखता ही हूँ, अगर आप मुझे भी थोड़ा खुश देखना चाहते हो तो मुझे जाने दो कहीं बाहर. अरे बाप रे. वाह कितने क्यूट हैं. वाइफ वर्ल्ड की बेस्ट वाइफ है. तो इधर आम लेने आए आप? नहीं नहीं. अरे बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब. अच्छा ये हमारे शो की और हमारे लोगों की ये जो दर्शक हमारे यहाँ पे आते हैं इनकी खासियत है बहुत अच्छे घरों से बिलोंग करते हैं, अच्छे कामकाज करते हैं, यहाँ पे आके ना बच्चे हो जाते हैं. तो धन्यवाद वकील साहब आपके प्यार के लिए. शुक्रिया शुक्रिया ब्रदर. थैंक यू केशव. थैंक यू ब्रदर. थैंक यू आयुष्मान.
टैंगो, हमें दुश्मनों को चारों ओर से घेरना है। पर मैडम, चारों तरफ से घेरने के लिए तो आप अकेली काफी है, हमें क्यों बुलाया? चार्ली, कम इन चार्ली, चार्ली। मैडम मैडम, चार्ली नहीं, हमारा नाम पुरुषोत्तम है। अपना असली नाम नहीं बताना, एक कोड नेम दिए हैं, दुश्मन तुम्हें गोली मार देगा। सॉरी सॉरी, माफ कर दीजिए बम्पर जी। अरे यार, मेरा भी असली नाम बता दिया, मेरा कोड नेम पुष्पा है। क्या कर रहे, मैं नहीं खेल रही तुम दोनों के साथ। हाँ तो हम कौन सा खेलना चाहते हैं, चलिए निकालिए हमारे पैसे। ये लो, ये रहे तुम्हारे पैसे। अरे हमें हमारे पैसे दीजिए ना। हाँ तो मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे रही हूँ ना, अपने जेब में से निकाल कर दीजिए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये लो रखो जाओ। यार पगली है क्या, एक काम करो हमारे पैसे दो वरना। ए, मैं हूँ बम्पर जो रहती है अपने दम पर, जिस्म से रू अलग करना बिजनेस है मेरा। लेकिन तंगना जी, ये देखिए इधर जिस्म कहाँ है, इसमें से क्या मैं अलग करूँ, चल भाग यहाँ से निकल। हाय, हथियार मैंने फेंक दिए। I surrender. Hmm. With this man sitting around, you have to surrender. Hi, Arjun ji. Hi. Hi, Kangana ji, Divya ji. Oh, sorry, why? Oh my God. I'm such a big fan, Kangana ji, I can't tell you. क्या trailer है film का? जोरदार तालियां एक बार trailer के लिए. Too good. What action? What fighting? My God. मैं आपकी इतनी बड़ी fan हूँ ना. आपकी फिल्म में आप एजेंट है ना जी, इत्तफाक की बात देखिए, मेरे दादाजी भी एजेंट है। आपको कभी भी कोई प्रॉपर्टी चाहिए मुझे बताइए, आई विल गेट यू। वो रॉ एजेंट है उसमें। रॉ मतलब कच्चा? अच्छा, कच्चे घर बेचती हैं आप? वो देश के लिए काम कर रही हैं उसमें। अच्छा अच्छा, वो वाली एजेंट है आप? जी, इंटरपोल एजेंट। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी, आई जस्ट गॉट दैट रॉन्ग, ओके, माय बैड। मुझे एक बात बताइए, एज दैट एजेंट, आप किसी को बिना वीजा के एक देश से दूसरे देश पहुंचा सकती हैं? ये फिर से गलत समझ रहे हैं। तेरे लिए आसान है। समझ रहे हैं अभी मुझे। नहीं, तू जा सकती है बिना वीजा के। कैसे? समंदर में डुबकी मार, लोगों को लगा पनडुब्बी जा रही है, निकल जाना तू। निकली, मैं तो पहुंच जाऊंगी, मैं अपने लिए नहीं पूछ रही थी। आई नो वन लेडी जिनका यूएसए और कैनेडा का वीजा नहीं लग रहा। अगर आप ही नहीं, इसलिए वो वहां पे जाना पा सक रही हैं। जाना पा, तो इसलिए अगर आप हेल्प कर दो तो जाना पा सक रही। मुझे एक बात बताइए, यू हैव वाई सिक्योरिटी ना? आई हैव एक्स सिक्योरिटी। एक्स सिक्योरिटी मतलब? नहीं नहीं, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है ना, वो सिक्योरिटी में। ही इज एक्चुअली सिक्योरिटी गार्ड, लेकिन वो एक्चुअली था पहले, अब वो बैंक में। बैंक में जॉब लग गई? नहीं नहीं, जॉब नहीं लगी, मैं बैंक में गई थी लोन मांगने, उन्हें कहा लोन के लिए तुम्हें सिक्योरिटी देनी होगी, मैंने दे दिया एक्स बॉयफ्रेंड सिक्योरिटी। अब वो वहां पर जमा हो गया है। चार हाशमी, या आर यू रिलेटेड टू दैट हाशमी? आई विश आई वाज। आज तू अर्जुन से बात क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि मैं इनसे नाराज हूँ। क्यों? क्यों? मैंने क्या किया? नहीं, मुझसे मत पूछिए, ये टॉल डार्क हैंडसम डैशिंग अर्जुन रामपाल से ही पूछे कि मैं उनसे क्यों नाराज हूँ। ओह माय गॉड, व्हाई? उनसे क्यों पूछूं, जानते हैं तुझे वो? जानते हैं, इन्होंने मुझे धोखा दिया है कितनी बार। कैसे? मैंने लास्ट टाइम इनसे कहा था कि मुझे वो बैंड स्टैंड के पत्थरों के पीछे मिलिए, तो फिर नहीं आए? नहीं नहीं, ये तो आ गए, मैं ही वहां पहुंची, मैं ही फिट नहीं आई उन पत्थरों में। एंड आई एम टेलिंग यू, आई हैड सच अ बैड टाइम, वहां पे जितने लोग थे ना, वो सब मुझे पत्थर समझ रहे थे। इतने सारे कपल आके मेरे पीछे छिप गए, एक ने तो नाम भी लिख दिया रमेश लव्स सुनीता, और मेरी पीठ पे। और क्या किया? रमेश लव्स सुनीता लिख के एक लंबा सा तीर मेरी पीठ पे बना दिया। तीर कहाँ तक लगा?
आज तक चुभ रहा है मुझे वो तीर. Oh God. But Divya ji, I actually just wanted to ask you, I'm actually working on a cause. अच्छा. तो इस कॉज के लिए आप एक 50,000 रुपए तक मुझे दे सकते हैं? कौन सा कॉज? बेसिकली क्या, मुझे एक पार्टी पे जाना है पर मैं जा नहीं पा रही बिकॉज मेरे पास कपड़े नहीं है. तो इस बिकॉज के लिए 50,000 मुझे दे देंगे तो प्लीज. क्या है कि देखिए इंसान ही इंसान के काम आता है और आप लोगों के पास तो बहुत सारा काम आता है तो थोड़ा सा काम इधर भी भेज दीजिए ना, क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं आता है. काम वाम करना आता है तेरे को? मुझे यू नो व्हाट इज आस्किंग, कंगना जी खुद जिसे फॉलो करती है, आप उससे पूछ रहे कि उसे काम करना आता है कि नहीं? कंगना ने तुझे कब फॉलो किया? अरे थलाइवी, ये फिल्म के लिए आपको जब वेट पुट ऑन करना था तो किसे फॉलो कर रही थी ये? आई एम द वेट पुट ऑन डाइटिशियन. अच्छा, ये तो तुझे जानती भी नहीं है. ओहो, ऐसे तो मेरे मम्मी पापा भी मुझे नहीं जानते थे पर मैं उनके घर में पैदा हुई ना. जान पहचान बनाने से बनती है धीरे धीरे, इट्स अ प्रोसेस यू नो. वैसे अब कंगना जी हमारी जान पहचान हो गई है तो आप अपना घर मुझे रेंट पे क्यों नहीं दे देते? क्यों? अरे देखिए, आप तो सुर्खियों में रहती हैं या बड़े पर्दे पर रहती हैं, घर पे रहने का वक्त कहाँ है आपके पास? खाली पड़ा रहता होगा, मुझे दे दीजिए ना. क्योंकि वैसे भी आजकल ना मैं अपनी मौसी के साथ रह रही हूँ पर वो 2 दिन की मेहमान है. क्या हो गया उनको? नहीं कुछ हुआ नहीं, 4 दिन के लिए आई थी, 2 दिन रह ली, अब 2 दिन की मेहमान है, फिर वो चली जाएंगी. अरे बम्पर, मैं एक बात कहनी भूल गया. हाँ कहिए ना. गेट आउट. एक बार धाकड़ की टीम के लिए जोरदार तालियां हो जाएं. कंगना, गई साहब, अर्जुन सर, दिव्या जी, शारिब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू. बड़ा मजा आया हमेशा की तरह आप सबसे मिलके. ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का. और दोस्तों, पूरे देश में बहुत तेज गर्मी पड़ रही है इसलिए आप सबसे हमारा निवेदन है कि आप अपने घरों के बाहर, अपनी खिड़की पे, छत पे, जहाँ पे भी आपको मुनासिब लगे, आप पशु पक्षियों के लिए कुछ पीने का पानी या दाना ज़रूर रखें, आपको पुण्य लगेगा. और हो सके तो घरों में हो रही पानी की वेस्टेज को ज़रूर रोकें क्योंकि जल है तो कल है. इसी के साथ ही आप सबसे इजाज़त चाहेंगे. गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू.